दोस्तों हाल ही में साथ निभाना साथिया 2 का दूसरा प्रोमो लॉन्च हुआ है, जिसमें गहना का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, जो एक बहुरानी होने के बावजूद नौकरानी की तरह काम करती नजर आ रही है। फिलहाल अभी प्रोमो लॉन्च ही हुआ है कि दर्शक इस सीरियल को देखने के लिए बेताब उठे हैं। पर क्या आप जानते हैं, शो में दर्शकों के बीच खलबली मचाने वाली गहना के दमदार किरदार के लिए आपकी टीवी की नई अभिनेत्रियों ने ऑडिशन दिए थे, पर वो अभिनेत्रियां गहना के रोल को निभाने में असक्षम हुई, जिसकी वजह से सीरियल के मेकर को उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी है वो अभिनेत्रियां जो गहना के रोल के लिए रिजेक्ट करी जा चुकी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और गहना के दमदार रोल के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1 पर नाम आता है रिम शेख का। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले तुझसे है राब्ता की शो में काम कर रही अभिनेत्री रिम शेख का नाम शुमार है, जो कि साथ निभाना साथिया 2 में गहना के रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी। हालांकि शो के मेकर्स ने भी इन्हें पसंद कर लिया था, पर ये गहना के रोल को निभाने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रही थी, जिसकी वजह से शो के मेकर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2 पर नाम आता है आशिका भाटिया का। टीवी की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली आशिका भाटिया आज फेमस टिकटॉकर बन गई हैं। पर टिकटॉक किस बैन होने के बाद इन्होंने शो में काम करने का मन बना लिया था, और इसी के चलते ये गहना के रोल के लिए ऑडिशन देने गए। पर शायद शो में के मेकर्स को गहना के रोल में परफेक्ट नहीं लगी, इसी वजह से शो के मेकर्स ने इन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3 पर नाम आता है कांची कौल का। इस लिस्ट में कुमकुम भाग्य फेम एक्टर शब्बीर अहलूवालिया की पत्नी कांची कौल का नाम भी शुमार है, जो कि काफी लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं। इसलिए इन्हें जब साथ निभाना साथिया 2 में गहना के ऑडिशन के बारे में पता चला तो वो भी ऑडिशन देने चली गई, लेकिन इन्हें पता चला कि गहना का किरदार काफी डिफिकल्ट है, जो कि एक नौकरानी का है, तो इन्हें ये किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते इनके मना करने से पहले ही शो के मेकर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर 4 पर नाम आता है अशनूर कौर का। जी हाँ, इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में पटियाला बेब से फेमस हुई अभिनेत्री अशनूर कौर का नाम भी शुमार है, जिन्हें तो शो के मेकर्स ने गहना के रोल के लिए खुद ही अप्रोच किया था, और ये उस शो की शूटिंग के लिए गई थी। पर जिस तरह से गहना के रोल को अलग अंदाज में निभाना था, उसे निभाने से ये शायद चूक गए, जिसके चलते मजबूरन शो के मेकर्स को इन्हें भी रिजेक्ट करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गहना के रोल के लिए इन अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री बेस्ट चॉइस थी? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।